गाइस, तो ये व्लॉग होने वाला है एनिवर्सरी व्लॉग का पार्ट टू। तो मैंने उस वाले व्लॉग में सब कुछ नहीं दिखाया था, अलग से कुछ रखा था कि मैं दूसरे व्लॉग में अपलोड करूँगी। तो इसमें वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, बस रेक्सू ने और मैंने थोड़ा बहुत अपने दिल की बात हम दोनों ने बताया। तो आप लोग प्लीज़ देखना, शायद आप लोगों को बोर भी लग सकता है, तो आप लोग प्लीज़ देखो और देख के बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। बोले बोलिए कैसा लगा मेरे साथ 2 साल आपको। तो मतलब आपका सवाल है कि ये 2 साल कैसा रहा, कैसा लगा मेरे साथ आपके साथ में। देखिए पर्सनली 2 साल तो आपके साथ में मेरा बहुत अच्छा रहा। ज़िंदगी में कुछ कुछ चीज़ ऐसा होता है, उतार चढ़ाव आना जाना, तो उनको अब मालूम है आपको भी जहाँ पे प्यार रहेगा वहाँ पे झगड़ा वगैरह तो होते रहेगा। लेकिन ये मैं बोलने वाली थी, तो मतलब आपका बोला हुआ बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरा बोला हुआ बात आप एक्सेप्ट कीजिए, मेरे लिए वही बहुत बड़ा बात है। और रहा बात 2 साल तो अच्छा था, कुछ कुछ जगह में मेरा बहुत सारा गलती भी था, जिस चीज़ को मैं आज कैमरा में स्वीकार कर रहा हूँ कि कुछ कुछ जगह में मेरा बहुत सारा गलती था। गुड गुड, आई लाइक इट। जो चीज़ मुझे नहीं करना था, और बहुत कुछ चीज़ में मतलब होता है ना कि इंसान जब कामकाज के पीछे में जब पड़ जाता है तो बहुत कुछ मतलब ऐसा चीज़ है जो ज़िंदगी में छूटने लगता है, और वो चीज़ अगला जो होने वाला वाइफ है या वाइफ है बन चुकी है तो उनका दिमाग में मतलब बहुत गलत तरीक़ा से वो चीज़ असर करता है। देखिए मैं बोलना एक ही चीज़ चाह रहा हूँ कि आप जैसा कुछ कुछ समय में आप जो बोलती है, ठीक है, आप जो बोलती है तो उस जगह में मेरा गलती होता है बोल के आप बोलती है। अब कोई तो हवाबाजी में किसी को कुछ बोलेगा ना, गलती होगा तो बोलेगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ मतलब बहुत सारा चीज़ आप बोलती है लेकिन वो चीज़ मेरा दिमाग में है ना, मतलब नहीं रहता है, कुछ चीज़ भूल जाता हूँ काम काज के चक्कर में, मतलब होता है ना इंसान का बहुत कुछ अंदर चलते रहता है, तो वो चीज़ मैं समझता हूँ कि गलती है मेरा, और मैं ध्यान रखूँगा कि कुछ चीज़ ना भूलूँ। तो ये चीज़ थोड़ा सा मैं माफ़ी मांगता हूँ आपके आपसे, है ना। तो बोलना तो देखिए बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ कि अब बहुत दिन से हम लोग ये कहीं बाहर नहीं गए थे घूमने वगैरह के लिए या कुछ ऐसा नहीं गए थे बहुत दिन से, जिस चीज़ को लेके ये मेरे से बहुत नाराज थी। अफ्ताब जी आपसे एक क्वेश्चन है, आप जब फर्स्ट टाइम उनको देखे थे तो आपको क्या फीलिंग्स आया था? देखिए जो साफ सीधा बात है वहाँ पे तो नीतेश था, मैं था, आप भी थे जी, आकाश, अच्छा आकाश आप तो नहीं थे जी, मेरा दोस्त था वो कालचिनी का आज़ाद अंसारी बोल के, तो उस समय ये अपना मतलब कॉलेज में एक ही कॉलेज में लेकिन मैं सीनियर था ये जूनियर थी, तो ये अपना दोस्त के साथ में मतलब फोटो वगैरह क्लिक करा रही थी। कौन सी कॉलेज में? उत्सव जयगांव NBSM जयगांव कॉलेज। अच्छा। तो ये मतलब बसंत उत्सव का सब फेस्टिवल बना रहे थे, खुशी मना रहे थे, उस टाइम में मैंने इनको देखा था, बहुत फोटो क्लिक करवा रही थी जी, तो मेरा दिल आ गया इनके ऊपर। अच्छा। तो मेरा दोस्त जो था नितेश, तो मतलब वो दूसरा मतलब नाच गाना कर रहा था उस अलग से, तो वो दोस्त को मैंने बोला था कि भाई ये मुझे पसंद है, ये तेरी भाभी बन गई। सच में? प्रॉमिस। अभी भी जी आपको ऐसे बोले थे? करता हूँ। अच्छा, तो ये बात अगर आपको जानना है तो आप एक बार पूछिएगा सिर्फ वो दोस्त से कि वो दोस्त ने बोला क्या था, ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही बार बोला था ये तेरी भाभी बनेगी, ये मुझे पसंद है, तो वो हंस रहा था उस टाइम में, लेकिन वो बोला था कि मैं तुझको सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को लेकर। तो उस वक्त मैंने मतलब होता है ना कि चलो रिलेशन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा कुछ मतलब काम किया जाए, तो थोड़ा सा ऐसा होली लेके हाथ में ऐसा होली लेके जब मैं ऐसा लगाने के लिए गया था तो उस वक्त ये क्या बोल रही थी मालूम है? ना 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 ना, गाली ना लगा बना, गाली लगा बना, एक्टिव लगाओ एक्टिव लगाओ। तो मैंने फिर थोड़ा सा ऐसा करके इनको ऐसा लगाया था जी, फिर उनको ऐसा लगाया था, फिर उनको ऐसा लगाया था। वो फोटो अभी भी इनका मतलब अकाउंट में अभी तक वो फोटो है जो मैंने होली लगाया इसे, मतलब ऐसे ऐसे। उसके बाद में मुझे मालूम नहीं था ये फेसबुक में, ठीक है, फेसबुक में मतलब ये मेरे साथ में मतलब फ्रेंड है, ऐड है मेरे साथ में, मेरे साथ में ऐड है, मुझे नहीं पता था जी। तो उसके बाद में इन्होंने क्या हुआ कि वही पोस्ट को डाला, मेरा मैंने जो होली लगाया था वही पोस्ट को ये डाला अपने फेसबुक पर। तो उसके बाद ठीक मेरा स्टोरी में सबसे जब फेसबुक खोला था उसी टाइम आया था जी, अभी तक याद है। तो मैंने उस टाइम में एक कमेंट किया था,
हाँ मतलब कमेंट या रिप्लाई किया था मैंने कि मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया कि मैंने थोड़ा सा लगाया था, मैंने थोड़ा सा लगाया, मुझे और थोड़ा ज़्यादा लगाया था। अच्छा मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब आप इनको फर्स्ट टाइम देखे थे तो आपको क्या लगा था ये इतना आसान से पड़ जाएगी? ये एक चीज़ है ना जी कि मतलब उस टाइम में जो था ना, मतलब उस टाइम में वो पटेगी नहीं पटेगी वो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था, मेरा वो थिंकिंग नहीं था, मुझे पसंद है ये, मुझे सिर्फ इतना मालूम था पसंद है, पटेगी पटेगी नहीं पटेगी वो अलग बात है, लेकिन उस टाइम में मुझे मतलब होता है ना दिल से कि ये मुझे बहुत पसंद है, सिर्फ इतना ही था सर। बाद में वो इससे आहिस्ता 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 आहिस्ते बात करते 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 कब फीलिंग्स ऊपर आया, कब एक साथ मिल गया, तो हमारा एंगेजमेंट जो हमारा एंगेजमेंट था तो वो सडनली प्लानिंग था, बोलते हैं ना एक ऊपर रिलेशन में भी ज्यादा टाइम नहीं था, हाँ, मतलब कोई 5-6 महीना का रिलेशन। चलिए भगवान ऊपर वाले अल्लाह सबको आप लोग जैसा रिलेशन दे। इनसे भी तो पूछिए, मैंने तो बस लड़ाई किया है 2 साल और कुछ नहीं किया है। अफसाना जी आपसे कुछ क्वेश्चन है हम लोग का, जैसे कि आप उनको फर्स्ट टाइम कॉलेज में देखे थे तो मतलब आपका मतलब अंदर से क्या फीलिंग्स था, लड़का है कैसा है, लड़का अच्छा है कि नहीं? मैं तो नहीं पहचानती थी बिल्कुल भी, और ये यूनियन में थे ना आप जी, तो मुझे लगा था ऐसे ही नॉर्मली, जब इन्होंने रिप्लाई किया मेरे पोस्ट में तो वहाँ से बातचीत शुरू हुआ और मुझे लगा कि यूनियन में है तो कॉलेज में मेरा थोड़ा हेल्प हो जाएगा, लेकिन पता नहीं कि अब तक क्या हो गया, देखते देखते। वैसे आप लोग का रिलेशन कितना साल हो गया? रिलेशन का तो 2 years, रिलेशन का 5-6 months, टोटल मतलब रिलेशनशिप जो हम लोग थे, मतलब ये प्यार मोहब्बत जो थे जो था वो 5-6 महीना सिर्फ था, 5-6 मंथ ओनली, उसके बाद में 5-6 महीना बाद में सडनली फैमिली मिले, मिलने के बाद में इंगेजमेंट एक हफ्ता के अंदर में इंगेजमेंट भी खत्म। अच्छा जो और ये आपके साथ आए हुए हैं ये कौन है आपके? कुछ बोलिए, ये हमारे खास दोस्त है। अच्छा ये दोस्त है, और ये आपके रिलेशनशिप में कुछ हेल्प किए थे? इन्होंने बहुत हेल्प किया। एक बार का बात है जब ये मैं इनसे मिलने के लिए इनका घर खोजने के लिए गया था जी, तो मैं इसको ही लेके गया। अच्छा इसको ही लेके गया था, यही ने मदद किया था कि कहाँ कहाँ रास्ता, बाद में ले जाके जंगल में जंगल से निकल के इनको देखा। उस टाइम में ऐसा था कि मतलब अब मैं तो घर भी नहीं जानता था जी, तो मैंने इनसे पूछा कहाँ जा रहा है, बोला एक तरह से आ रहा है, बोला बताओ तो कहाँ जा रहे हो, बोला आ रहे हैं एक तरह से, मुझे पता नहीं था कि उनका घर यहाँ पे है। चलिए भगवान आपका जैसा दोस्त सबको दे। दोस्त जो है ये नितेश, हेलो, ये मेरा बचपन का भी दोस्त है, बहुत अच्छा खास दोस्त है, और इसका थ्रू ये जो मेरा दोस्त है आकाश, हेलो, इससे मेरा मतलब इंटरेक्शन हुआ, और ये भी मेरा बहुत खास दोस्त है, अच्छा दोस्त है, जो मेरा मैं हर कुछ इसके इन लोगों के ये दोनों के साथ में मैं शेयर भी करता हूँ। दोस्ती जब से हुआ अभी तक कैसा रहा? वो तो मुझसे बेहतर तो आपको ही पता होगा। नहीं भाई, आपका मुँह से सुनना चाहता हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोचती है। आपको मैं बाद में आती हूँ, वो पहले आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपके वाइफ इम्पोर्टेंट है या आपके बेस्ट फ्रेंड? बोलिए बोलिए। देखिए ये चीज अगर कुछ मैं बोलूँगा तो यहाँ पे विवाद हो जाएगा, ठीक है? तो रहा बात कि ये सवाल कहीं से भी मतलब एक जो होता है ना सही नहीं है। सही क्यों नहीं है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। सही इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए हमारे इस्लाम में एक मतलब मुसलमान में एक कहावत है कि दोस्त के साथ ऐसा रहो जैसा वो जो खाने में नमक होता है ना, दिखता नहीं है लेकिन नमक के बिना फिर खाना सही नहीं होता है, मालूम है ना? दोस्त के साथ ऐसा रहना चाहिए। बीवी जो हो गया तो देखिए इनका बीवी का जगह अलग है, मतलब ये तो एक हिसाब से बोलने में ये सर का ताज होता है, और दोस्त जो होता है वो एकदम दिल का करीब होता है। अगर ये सर का ताज है तो इनका मतलब जो मुकाम है, इनका जो मतलब स्टेज है वो अलग है, दोस्त का मुकाम जो यहाँ पे,
दिल पे होता है दोस्त। जैसे कि आप दोनों जब फर्स्ट मिले हुए थे तो ऐसे फ्रेंड मिले हुए थे? दोस्ती वगैरह कुछ नहीं था। हम तो अभी भी बोल सकता हूँ कि ये अभी तक हम लोग बेस्ट फ्रेंड भी नहीं बन पाए। ठीक है, इतना शॉर्ट टाइम में आप लोग का एंगेजमेंट हो गया, तो आपको कैसा फीलिंग हुआ था? मैं तो खुश तो बोले मैं बहुत ज्यादा खुश था, इनको मालूम है। वो मतलब खुशी मेरा जो था ना वो ठिकाना नहीं था, लेकिन होता है ना क्या बोलेगा, वो खुश तो बहुत खुश था जी, लेकिन कुछ कुछ चीज़ में प्रॉब्लम हुआ। क्योंकि मतलब ये जो दो साल का गैप हो रहा है ये हमारे रिलेशन में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। एंगेजमेंट के बाद ये गैप होके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो हुआ। चलिए सही है, जल्दी से जल्दी, ट्रस्ट बहुत है आप लोग के अंदर। जल्दी से जल्दी है ना इनको मैं अपना घर लेके जाना चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी। अगर मेरा वैसा कुछ हुआ तो मैं होने से आज ही लेके चला जाऊँ ऐसा, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ का वजह से रुके हुए वही चीज़ के लिए। चलिए, वैसे हम लोग नॉर्थ ईस्ट के, हमारे यहाँ अजान से पहले दुआ कबूल